वेलकम वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। एंड आज हम भाई दोबारा से प्ले कर रहे हैं गैंगस्टर वेगास वर्ल्ड ऑफ क्राइम। तो पिछली वाली वीडियो में तो लोग याद होगा, अपन ने जो भाई अपनी फ्रेंड किरीन के साथ मिलकर जो माफिया की एक तगड़ी सुपर कार चोराई थी। एंड अब जो भाई अपन माफिया का राज जो है इस वाली सिटी से जो पूरी तरीके से खत्म कर देने वाले हैं। लेकिन तुम्हें पता होगा भाई फ्रैंक विलियनो जो माफिया है भाई वो भी कोई ऐसा वैसा माफिया नहीं है, वो इस सिटी का जो भाई सबसे बड़ा गैंगस्टर है। एंड उसके पास भाई काफ़ी सारा पैसा एंड पावर है। अब पावर आती है भाई पैसे से, एंड पैसा आता है भाई उसके शहर में जो है अलग अलग काफ़ी सारे बिजनेस है उनसे। तो अगर भाई अपन वो माफिया को खत्म करना है तो भाई सबसे पहले अपन जो उसके बिजनेस को खत्म करना पड़ेगा। तो आज की इस वाली वीडियो में भाई अपन ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो फटाफट से भाई अपन जो अपनी फ्रेंड वीरा से बात करते हैं एंड उससे पूछते हैं भाई आगे का जो है क्या प्लान है। तब तक यार तुम लोग जो इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें पता होगा भाई अपना 2024 का टारगेट है कि 2024 खत्म होने तक अपन को जो भाई अपने चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो आई होप कि जो तुम लोग ये वाला टारगेट कंप्लीट करवा दोगे। एंड अगर तुम लोग जो अपन से भाई सोशल मीडिया पर बात करना चाहते हो तो लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, वहां पे तुम लोग जो अपन को फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, तो फिलहाल अपने पास भाई कॉल आ गया वीरा का, तो फटाफट से वीरा से बात करते हैं एंड देखते हैं भाई आगे का क्या प्लान है। ओके गाइस, तो फिलहाल जो भाई अपनी बात वीरा से हो गई है एंड वो बोल रही है भैया माफिया ने जो भाई अपने पीछे किसी मीक नाम के बंदे को भेजा है, वो और उसके बंदे जो भाई अपन को मारने आ रहे हैं। तो फिलहाल वीरा बोल रही है भैया इससे पहले कि मीक जो है अपन को मारे, उससे पहले अपन को भाई मीक एंड उसके बंदों को खत्म कर देना चाहिए। तो फटाफट से भाई अपन चलते हैं उनको मारने। एंड माफिया ने भाई काफी खतरनाक बंदे जो अपने पीछे लगा दिए। तो फटाफट से अपन जो अपनी कार में बैठते हैं एंड भाई उन बंदों को अपन खत्म कर देने वाला है इससे पहले कि भाई वो अपन तक पहुंचे। बाकी यार तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भैया तुम लोग जो ये वाली गाड़ी कैसी लगी। फिलहाल इस गाड़ी को भाई अपन ने जो एक पार्किंग से उठाया हुआ है, चुराया हुआ है, अपनी नहीं है गाड़ी। बट मैं सोच रहा हूँ भाई ये वाली गाड़ी मैं जो भाई खरीद लूँ क्योंकि दिखने में भाई काफी जो वाले तगड़ी जो है ये वाली गाड़ी फील दे रही है। तो फटाफट से भगाते हैं एंड वो वाली लोकेशन भाई बिल्कुल पास में है, तो फटाफट से पहुंचते हैं एंड देखते हैं भाई कौन है वो बंदे जो अपन को भाई मारने वाले हैं। तो फटाफट से इस वाली लोकेशन पे अपन को जो वो वाले बंदे मिलने वाले हैं। एंड ये देखो भाई ये खड़ा हुआ इनका गैंग, फिलहाल तो ये तीन बंदे हैं बट इनके और भी काफी सारे बंदे भाई इन्होंने बुला लिए, इन्होंने जो भाई अपन को देख लिया। बट कोई नहीं भाई अपन जो इनको जान से बिल्कुल मार देने वाले हैं। यहाँ पे मेरा एम पता नहीं भाई पीछे खड़ी एक काफी तगड़ी कार पे जा रहा था, तो आई थिंक इस वाले कार को मेरे को भाई बाद के लिए बचा के रखना चाहिए। तो फटाफट से मैं जो भाई इन बंदों को सबसे पहले खत्म करता हूँ। एंड ये तो भाई एक एक करके आए जा रहे हैं, पता नहीं भाई कितने बंदे हैं। एंड आई थिंक भाई अभी भी और भी बंदे बाकी है, तो आई थिंक अभी जो भाई मैन बंदा तो मरा ही नहीं है भाई, उसके बंदों को अपन ने मारा है। तो कोई नहीं भाई ये मैन बंदा, तो इससे तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये भाई मीक जो अपन को मारने आने वाला था, तो फटाफट से आ जा भाई अब मार के दिखा। तो ओके, इसके ऊपर तो भाई अंधाधुंध गोली अपन ने चला दी। तो फटाफट से भाई ये बात जो अपन वीरा को बता देते हैं कि भाई उस बंदे को अपन ने मार दिया है। अब भाई ये सारी बात बताकर अपन फोन रखते हैं कि भैया दोबारा से अपने पास वीरा का कॉल आ जाता है। एंड वीरा बोलती है भैया काम वाम तो अपना रहता रहेगा, फिलहाल अपन को जाना है भाई एक क्लब में। एंड ये बोल रही कि भाई उसकी एक फ्रेंड है लक्की जो कि उस क्लब में अपन को मिलेगी, एंड अपन भाई उसके साथ जाके कुछ पत्ते वत्ते खेले कैसीनो में। बट भाई अपन को काफी सारे इंपॉर्टेंट काम है, तो फिलहाल अपना भाई कैसीनो में जाने का भाई कोई मूड नहीं है। एंड अपने पास भाई आज तो कॉल पे कॉल आ रहे हैं, फिलहाल भाई अपने पास ई मैन का कॉल आ गया है। एंड ई मैन भाई फिलहाल काफी ज्यादा घबराया हुआ है। अब मुझे नहीं पता अपन ने काफी ज्यादा पूछा कि भाई क्या बात है अपन को कॉल पे बता दो, बट ई मैन बोल रहा है भाई कोई सुन लेगा। मुझे नहीं पता कि भाई अपने कॉल की आवाज जो है कौन सुन रहा है, बट ये भाई काफी ज्यादा घबराया हुआ है। एंड इसने बोला कि भाई फटाफट से आके मुझसे मिलो। तो फटाफट से अपन को जाना भाई ई मैन से मिलने। तो फटाफट से अपन से भाई इस पार्किंग से जो कोई कार उठाते हैं, एंड आई थिंक अपन को भी भाई कोई कार अभी जो खरीदनी पड़ेगी क्योंकि भाई कब तक अपन जो भाई पार्किंग से ही कार उठाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है खतरनाक वाली ये वाली अपनी तगड़ी बाइक खड़ी हुई है। तो फटाफट से इस पे बैठते हैं, ईमैन की लोकेशन यहाँ पे मार्क करते हैं। एंड अब भाई मैं काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ मैं ईमैन की लोकेशन इस मैप में देखूँ, बट इस मैप में भाई देखो ईमैन की लोकेशन जो कहीं पे मुझे नहीं दिख रही है। बट मुझे नहीं पता भाई ईमैन का भाई क्या हुआ है एंड वो इतना ज्यादा क्यों घबराया हुआ है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ भाई किरीन के पास क्योंकि किरीन से अपन ने जो भाई काफी टाइम से बात नहीं की। तो फटाफट से मैं जाता हूँ भाई किरीन के पास एंड उससे बात करते हैं, देखते हैं भाई उसे ईमैन के बारे में भाई कुछ पता है क्या। बाकी यार तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड पिछले ही भाई कुछ 30-32 वीडियो अपनी जो भाई सारी की सारी फ्लॉप हो गई है, मुझे नहीं पता भाई वो क्यों हो रही है। उन पे जो व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं जा रहे भाई, 20-30 व्यूज़ पे जाके अटके जाइए इस गेम पे। एंड और भी काफ़ी सारे गेम पे अपन ने जो काफ़ी सारी वीडियो बना दी है, तो एक बार चैनल पे जाके देख लेना। एंड फिलहाल भाई अपन आ गए किरीन के पास एंड देखते भाई किरीन अपन को क्या बोलती है। गाइस तो फाइनली भाई अपनी किरीन से बात हो गई है एंड किरीन के पास फिलहाल भाई एक काफ़ी तगड़ा प्लान है जिससे भाई माफिया पूरा बर्बाद होने जा रहा है। तो किरीन ने भाई फिलहाल अपन को बताया कि भैया माफिया ने जो है अपने पड़ोस में ही एक जो है लाइब्रेरी को पुराने को तोड़वा के वहाँ पे जो अपना कन्वेंशन सेंटर कुछ तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो अपन जो उस वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएंगे एंड बॉम्ब लगा के भाई उस पूरी साइट को अपन उड़ा देने वाले हैं। तो फटाफट से भाई किरीन अपने साथ जो ये वाली खतरनाक सी वैन लेके आए, तो फटाफट से अपन ड्राइव करते हैं एंड उस कंस्ट्रक्शन पर साइट पर जाके भाई पूरी बमों से जो है उस पूरी साइट को जो है अपन बर्बाद कर देने वाले हैं। तो इस वाले काम में तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था यार, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ बट क्या करूँ यार, बोलना पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दो अगर तुम्हें जो है अच्छा लग रहा हो एंड बाकी कमेंट बॉक्स में
जरूर बताया करो, और कोई और गेम भी भाई हो जो अपन को प्ले करना चाहिए अपने चैनल पे। बाकी काफ़ी सारे नए नए गेम्स तो भाई मैं ट्राई करता रहता ही हूँ। एंड फिलहाल भाई गलती से मैं जो अपनी वैन को ठोक देता हूँ इस पुलिस वाली गाड़ी में, एंड यहाँ पे अपने पीछे लग जाती है भाई काफ़ी खतरनाक पुलिस, जिससे भाई पीछा छुड़ाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड एक और प्रॉब्लम भाई मैं तुम लोग बता दूँ, मेरे स्मार्टफोन में भाई फिलहाल एक काफ़ी तगड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि मैं भाई कई बार जो अपने फ़ोन के टच जो है बिल्कुल काम ही नहीं करते। अब देखो मैं यहाँ पे काफ़ी बार एक्सीलरेटर जो है दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी बार तो भाई ये सही से काम करे जा रहा है, बट काफ़ी टाइम भाई टच काम ना करने के बाद अपना एक्सीलेटर भाई नहीं चलता है, एंड जिससे भाई वैन एक जगह पर रुक जाती है। अब यहाँ पे भाई मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस से पीछा छुड़वा लूँ, बट पुलिस देखो भाई अपने पीछे 2 स्टार पुलिस लग गई है। बस थोड़ा सा धक्का लगा था भाई पुलिस वाली कार को, इसमें इतना भाई पीछे भागने की बात थी। एंड फिलहाल मैं पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ, एंड इस वाले बंदे को देखो भाई कार क्या ही स्पीड में चला रहा है। फिलहाल मेरी वैन को मैंने घुसा दिया भाई इन बिल्डिंग्स के अंदर, एंड मुझे पता है भाई यहाँ पे अपना कुछ नहीं होने वाला है, तो फटाफट से अपन को भाई किसी हाईवे पे अपनी वैन को लेके जाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैंने भाई यहाँ से सीधी छलांग लगवा दी अपने वैन को, एंड फटाफट से भाई पुलिस को अपने एस्केप करते हैं। एंड इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है भाई इस गेम में पुलिस को एस्केप करना, भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो फटाफट से अपनी वैन को अपन यहाँ पे भगाते हैं, एंड आई थिंक अब जो है पुलिस अपना पीछा छोड़ देने वाली है, बट अभी भी भाई अपने पीछे 2 स्टार पुलिस है। तो फटाफट से भाई अपन और तेज़ भगाते हैं, एंड अब जो आई थिंक अपन ने पुलिस को काफ़ी ज़्यादा पीछे छोड़ दिया। ओके गाइस, तो फाइनली भाई पुलिस ने अपना पीछे छोड़ दिया है, एंड अपन फटाफट से भाई ध्यान से इस बार वैन चलाते हुए जाने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पे, एंड वहाँ पे लगाएंगे भाई काफ़ी तगड़े तगड़े बॉम्ब, एंड उसकी पूरी साइट को भाई बर्बाद कर देंगे। माफिया भाई पूरा बर्बाद होने वाला है, एंड और भी ऐसे ऐसे काम करेंगे भाई, उसके सारे बिजनेस अपन डिस्ट्रॉय कर देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से यहाँ से अपन चढ़ाते हैं, आई थिंक यहाँ से अपन को जो कंस्ट्रक्शन साइट फिलहाल भाई अपने जो है 300 मीटर दूर है, तो फटाफट से वैन को अपनी इस वाले रोड पे मोड़ के एंड लेके चलते हैं। यहाँ पे पता नहीं भाई इन लोगों का किस बात पे जो है झगड़ा हो गया, कार वार भाई रस्ते में ही रुक के खड़े हुए हैं, कोई नहीं भाई फटाफट से अपन भगाते हैं। एंड ग्राफिक्स भाई इस वाले गेम के काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गए हैं, बट पता नहीं भाई अपने चैनल पर इसके गेम्स के वीडियो के व्यूज़ क्यों नहीं जा रहे। तो फटाफट से अपन भाई पहुँच ही सके कंस्ट्रक्शन साइट। ये देखो भाई क्या ही बड़ी बिल्डिंग जो है माफिया यहाँ पे बना रहा है, एंड सामने तरह आई थिंक इसकी एंट्रेंस है। तो फटाफट से अपन भगाते हुए चलते हैं, एंड इसका गेट भाई फिलहाल खुला नहीं है, तो अपन भाई डायरेक्ट वैन जो है अंदर घुसा देने वाले हैं। एंड यहाँ पे भाई इसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, एंड अपन ने डायरेक्ट भाई इस वैन को जो है इस वाली कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हटा दिया। एंड यहाँ पे एक सेकंड भाई वर्कर होने थे, वर्कर के पास पता नहीं भाई गन दे के रखी हुई वर्कर को ही, भाई ये यहाँ पे काम करते हैं या गन चलाते हैं भाई। तो फटाफट से भाई सभी वर्कर को अपन को मारना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे भाई अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक भाई यहाँ के जो है सभी वर्कर मारे जा चुके हैं, एंड फिलहाल भाई किरीन को तो कुछ नहीं हुआ है, बट अपनी वैन में से भाई धुआं निकलने लगा है। तो फटाफट से अपन आगे चलते हैं, एंड अपने हाथ में भाई गन रखनी पड़ेगी, पता नहीं भाई इनके वर्कर कहाँ से आ जाएँ। तो काफ़ी केयरफुली आई थिंक अपन को बिल्डिंग इस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर भाई एंटर करना है, एंड ओके सामने भाई काफ़ी सारे बंदे आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कवर ले लेता हूँ, एंड इन सभी बंदों को मारता हूँ। ओके भाई ये तो क्लीन पे आते ही गोलियाँ चला रहे हैं, एंड मेरा एम भाई पता नहीं उस बंदे तक क्यों नहीं पहुँच रहा फिलहाल। एंड फटाफट से भाई इन सभी को मारते हैं, एंड रुक जा भाई आगे आना पड़ेगा। ओके किरीन ने भाई फिलहाल इसे मार दिया है, बट किरीन भाई पिस्टल लेके क्यों आई है भाई, कोई तगड़ी वाली गन ही ले आती, तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से चलते हैं एंड आगे देखते हैं भाई। आगे तो कोई और बंदे नहीं है, एंड आई थिंक अपन कंस्ट्रक्शन साइट के भाई काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं, एंड बॉम्ब मुझे नहीं पता भाई इसमें कहाँ पे अपन लगाने वाले हैं, ये तो क्योंकि साइट तो भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ओके यहाँ पे भी काफ़ी सारे बंदे खड़े हुए, तो फटाफट से सबसे पहले भाई इसे मारते हैं, एंड इस तरफ भाई एक बंदा खड़ा हुआ, रुक जा भाई तेरे को अभी बताता हूँ। ओके पीछे से भाई काफ़ी ज़्यादा बंदे जो भाग के आ रहे हैं, तो आई थिंक अपन को भी भाई उसी तरफ जाना पड़ेगा। तो फटाफट से अपन चलते हैं, एंड मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे कितने बंदे होंगे, सामने की तरफ और भी काफ़ी ज़्यादा बंदे, आ जा भाई तू आ जा सबसे पहले। तो फिलहाल गन अपन ने भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ली हुई है भाई, सभी में गोलियां अपन ने भर दी है, एंड आई थिंक भाई सारे बंदे जो है यहाँ पे मारे जा चुके हैं। एंड कहाँ पे जाना है भाई अपन को, यहाँ से तो मुझे भाई कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो बीच की तरफ जाना है या किस तरफ जाना है भाई। ओके तो फटाफट से भाई नीचे चलते एक बार देखते हैं क्या सीन है, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ भाई ऊपर की तरफ जा तो रही है, एंड यहाँ पे जो भाई काफ़ी सारे कंटेनर रखे हुए हैं, एंड फिलहाल काफ़ी ज़्यादा केयरफुली जाना पड़ेगा। एंड सामने भाई मैं अभी बोल ही रहा था, एंड सामने ये देखो भाई बंदे आ गए हैं, एंड उस तरफ भी। ओके और भाई सब ये कहाँ गया, एंड आई थिंक भाई किरीन की पिस्टल में जो है गोलियाँ खत्म हो गई, इसलिए वो मुक्को से लड़ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन ने लगभग बंदे भाई लगभग क्या आई थिंक सारे बंदे अपन ने फाइनली भाई यहाँ पे मार दिए हैं। एंड अब फटाफट से देखते हैं भाई क्या प्लान अपना होने वाला है। ओके फटाफट से भाई अपनी लिफ्ट आ चुकी है, तो अपन जो है दो अलग अलग लिफ्ट में जा रहे हैं, किरीन अलग लिफ्ट में जा रही है, एंड अपन अलग लिफ्ट में जा रहे हैं, एंड अपन को भाई आई थिंक बॉम्ब दे गए हैं, बस अपन को जो भाई यहाँ पे इंस्टॉल करना है उस बॉम्ब को, एंड फटाफट से अपन जो यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, एंड फिर होने वाला भाई एक्सप्लोजिव। ओके तो फाइनली भाई अपन जो बॉम्ब इंस्टॉल करके वापस आ चुके हैं, एंड अब भाई इसको ब्लास्ट अपन ने कर दिया, एंड ये देखो भाई माफिया की पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट अपन ने तबाह कर दिया है। तो आज की इस वाली वीडियो में यार इतना ही है, अगर तुम लोग जो यार ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वाली वीडियो में, एंड सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, एंड अगली वाली वीडियो में भाई और भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो तुम लोग यार बने रहो अपने चैनल पर।